किसी छोटी मोटी इमारत को उतारकर उस पर जनता क्लिनिक लिख के उद्घाटन किया जाता है, मेरे ख्याल से दर्जन भर भी नहीं खुली, घोषणा खूब हुई थी। इसमें एक है सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरियों का इनका दावा है कि 1.36 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, 1.21 लाख की भर्तियां प्रक्रिया दी ने और 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती करेंगे। राजस्थान में हर दूसरा ग्रेजुएट वो बेरोजगार है, 65 लाख के लगभग बेरोजगार है, जो एक सामान्य आंकड़ा है। और राजस्थान की जो बेरोजगारी दर है वो 18 में थी 5.2 और आज है 20.2, जो रिकॉर्डेड है। एक लिखा है इसमें राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, आपने इन आयोजनों की अव्यवस्थाओं के वीडियोस देखे होंगे कि किस तरीके से रात को अंधेरे में बच्चियां इस बात के लिए एतराज कर रही थी कि उनको बुला तो लिया लेकिन उनकी रिहाइश की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे राजीव गांधी खेल ओलंपिक पे भी एतराज नहीं, लेकिन खेलों का भी कांग्रेसीकरण कर दिया। इसमें कितने खिलाड़ी तैयार हो गए, क्या माइलेज मिला होगा, लेकिन इसको सरकारी इंस्ट्रूमेंट बना दिया पूरे आयोजन को। ये उपलब्धि बताई इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा जो INC का एक टूल बना दिया इसको। एक है इसमें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप खुद जाके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हिंदी स्कूलों में भी संसाधन पूरे नहीं, 85,000 से ज्यादा पद अभी खाली हैं, लेकिन ये अंग्रेजी के स्कूल खोल के जिस तरीके की अव्यवस्थाओं का आलम हुआ, उसकी कोई बहुत पहले से प्लान नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, उस पर कोई इस तरीके का एक्शन नहीं हुआ कि लोग उसका लाभ उठा सके। लेकिन क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणावीर हैं, टाइटल चुराना जानते हैं और उसके आधार पर लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, पर महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों की मैं अपनी जुबान से नहीं कहूंगा, आप अपनी तरफ से, आप लोगों ने खूब लिखा है। एक है मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। मैंने एक आपकी कोई खबर देखी जिसमें कपड़ा बांट रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भाई दर्जी की व्यवस्था खुद को करनी पड़ेगी। तो ये आपने योजना तो गरीब बच्चों के लिए थी, जितने का कपड़ा होगा उतना दर्जी का काम, लेकिन विसंगति बता रहा हूं कि खुद मुख्यमंत्री के हाथों से वितरित होते हुए और वो खुद कह रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा। एक टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास, इस पर लिखा है इन्होंने यूनिकाइड IT इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर, मेडिटेक, क्लाइमेट टेक, एग्रीटेक, एडवांस लर्निंग, स्टार्टअप्स के लिए प्ले फैसिलिटी वगैरह वगैरह, ये इसमें उपलब्धियों के तौर पर लिखा है। लेकिन मेरे पास एक कागज है, इसको आप लोग भी कंफर्म करिएगा। अभी इसका टेंडर हुआ है, एजेंसी का टेंडर हुआ है, लेकिन इन्होंने अपनी उपलब्धियों में शुमार किया है। अभी इन्होंने लिखा कि सस्ती घरेलू बिजली, कितनी बार फ्यूल चार्ज के नाम से 350 करोड़ का भी वजन कंज्यूमर पर, फिर किसानों को सस्ती बिजली, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, अब जो सब्सिडी बीजेपी के राज में 833 रुपए की प्रतिमा दी जाती थी उसको 2.5 वर्ष तक उसका जिक्र नहीं था, फिर लगा कि ये बड़ी पॉपुलिस्टिक चीज है तो इसको करना चाहिए, किया लिपापोती की, लेकिन आज भी उसमें भी संगति है। लेकिन कहा तो है पर 2.5 लाख किसान आज भी उनके कृषि कनेक्शन पेंडिंग है। ट्रांसफार्मर्स को 72 घंटे में बदलने की बात कही थी, 72 दिन में नहीं बदले जाते, 2.5 लाख कनेक्शन पेंडिंग होना अपने आप में किसानों का मित्र नहीं हो सकता, वो किसानों का शत्रु हो सकता है। तो मुझे लगता है इस योजना का नाम बदल देना चाहिए। एक लिखा इन्होंने इंदिरा रसोई योजना,
ये अन्नपूर्णा थी, इंदिरा हो गई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब शासन रहा तो देश में बहुत सारी संस्थाओं का, बहुत सारी योजनाओं का नाम नेहरू गांधी खानदान के नाम पर है। इसमें भी कंपैरिजन करेंगे तो सरदार पटेल कम मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। अब ये इंदिरा रसोई योजना का मैंने तो एक वीडियो देखा था, मैं उस वीडियो का ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे। ये अव्यवस्था का बड़ा कारण था। ये सामान्य चीजें जो मैंने खाली, मैं कोई तैयारी से नहीं आया न मैं कोई आलोचना करना, लेकिन ये चमकते चेहरे के साथ में जो योजनाएं घोषित की, उन योजनाओं को भी ठीक तरीके से लागू नहीं किया। अब आप सब जानते हैं, इस अखबार को भी खोलेंगे, दूसरे पेज पे जाएंगे तो सरकार की जो नाकामी वो अपने आप इस छपे हुए अखबार के विज्ञापन के तीसरे चौथे पेज पे मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी और इसमें भी मिल जाएगी। अखबार का तीसरा चौथा पेज खोलेंगे तो कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। मैं वहां पर छूटता हूं। 19 अखबारों में इस